अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जून माह में आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कृपया संपर्क करें। 5 व 6 जून चंडीगढ़, 7 व 8 जून दिल्ली, 9 व 10 जून मुंबई, 16 व 17 जून अहमदाबाद, 18 व 19 जून कोलकाता। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 9529020222। मेरे आत्मीय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों जो कि विवाह के योग्य हो चुके हैं, उनकी शादी कब होगी, उनको कैसा जीवन साथी मिलेगा, उनकी शीघ्र शादी हो जाए, विवाह का बाद का जो उनका वैवाहिक जीवन है वो बेहद सफल रहे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु इस प्रयास में, इस जल्दबाजी में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गलत रास्ते को अपना रहे हैं। जन्म कुंडली में चाहे मंगली योग हो, वैधव्य का योग हो, संतानहीनता का योग हो, सभी का यदि सही समय पर इलाज किया जाए, सही वैदिक रीति से इलाज किया जाए तो कोई समस्या नहीं आती है, समाधान सभी का संभव है। इसलिए मैं आज बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ उन सभी के लिए, स्वयं जो शादी करना चाहते हैं, ऐसे जातक और उनके माता पिता। इसलिए एक निवेदन मैं आपसे कहना आवश्यक समझता हूँ कि इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, शेयर करें, कमेंट का भी जवाब देंगे एपिसोड के अंत में। दरअसल ये तो बहुत ही एक ज्योतिषी होने के नाते बहुत आम समस्या है कि कई बार ऐसे माता पिता आते हैं जो थक हार चुके हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बच्ची की उम्र बढ़ती जा रही है, तो क्या करें। हमसे भी वो कई बार आग्रह करते हैं कि क्या समय में थोड़ा सा परिवर्तन करके किसी मांगलिक कुंडली को नॉन मांगलिक करके कुछ उपाय इस प्रकार से करें। तो मैं तो इसके लिए स्पष्ट मना कर देता हूँ। और ये बहुत आम घटना थी, परंतु ये जब मेरे साथ में घटी, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे बहुत नज़दीक में। दरअसल हुआ यूँ कि आज से लगभग एक साल पहले एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, हमारे यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित एक दंपत्ति जो कि धनवान के साथ में इज्जतदार भी हैं, वो आए। उनकी विवाह योग्य कन्या है और एक जन्म पत्रिका वो साथ में लेकर के आए कि ये इन दोनों का मिलान करवाना है, होता है या नहीं होता है। उनकी जो पुत्री है वो मांगलिक है और जो जन्म पत्रिका मिलान के लिए लाए थे वो नॉन मांगलिक थी, और इसके अलावा एक दो और भी ऐसे पॉइंट्स थे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रकार से उनको मना कर दिया कि हम इस विवाह के लिए आगे ना बढ़ें, इसी में हम सभी की भलाई है। अब इसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। पिछले ही दिनों एक माता पिता अपने पुत्र के साथ में आए और फिर जब बातचीत हुई तब पता लगा कि हाँ, ये उनकी जो साल भर पहले आए थे उनकी पुत्री से ही इनके पुत्र का विवाह हुआ है। और इनका प्रश्न ये था कि हमने तो कुंडली मिला करके, सब गुण मिला करके, सब यश करके और फिर विवाह किया था, अब ये दिक्कतें क्यों आ रही है, अब तलाक की नौबत आ चुकी है, 3-4 महीनों से लड़की अपने घर पर बैठी हुई है, अब क्या करना रहा। और जब मैंने देखा तो जो पुत्री के माता पिता हैं उन्होंने वही कार्य किया, छेड़छाड़ की समय से, डेट से थोड़ी सी, और उनके लिए एक नॉन मांगलिक कुंडली बनवा दी। अब इसका भुगतान कौन कर रहा है,
माता पिता भी कर रहे हैं, दोनों पक्ष के माता पिता वर वधु कर ही रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है, वो निवेदन करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको उचित लगे आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा ज़रूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। अब खून मिल नहीं रहा है ए पॉजिटिव, खून चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जान बचाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको ए नेगेटिव चढ़ा दिया जाएगा या बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव चढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो ब्लड ग्रुप मैच करेगा वही चढ़ाना पड़ेगा ना, यही ठीक कुंडली मिलान के समय भी किया जाना चाहिए। आपका बच्चा जो कि पढ़ रहा है, एक दूसरा प्रश्न, वो चाहता है कि वो डॉक्टर बने परंतु उसमें इतनी प्रतिभा नहीं है, डॉक्टर नहीं बन सकता, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या करेंगे आप? उसको खुश करने के लिए MBBS की कोई डिग्री ला करके उसको दे देंगे कि बेटा ये आप अपने दीवार पर लगवा लीजिए और समझ जाइए कि आप डॉक्टर हैं, वो खुश हो जाएगा? ये ठीक वैसा ही है, ये अपने आप को तसल्ली देने जैसा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हमें कोई बीमारी है, डॉक्टर हमें लिखता है कि आप ये फला फला ये जांच करवाइए, हम अगर वो जांच कराने के लिए जाते हैं और वो जांच में वो चीज़ पॉजिटिव आ जाती है, वो बीमारी उसमें निकल जाती है, तो हम क्या लैब टेक्नीशियन को या जांच करने वाले को अगर ये कह दें कि आप तो इसको गलत रिपोर्ट बता दीजिए, तो हमें अंदर तो पता ही है ना कि ये बीमारी है, हमें उससे तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ये सारे उदाहरण कुंडली मिलान पर 100% खरे उतरते हैं। क्यों हम खिलवाड़ करते हैं अपने बच्चों के साथ में? मेरा आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार की गलती ना करें, ये कंवारे रहने से भी ज़्यादा बदतर है, बहुत गलत परिणाम देगी। आप उस दिन को कोसोगे कि कब क्यों आपने ऐसी जाली ऐसी फर्जी कुंडली का निर्माण करवाया। जब माता पिता थक जाते हैं, कई वर्षों से वर की तलाश कर रहे होते हैं, तब कई ऐसे लोग भी उनको गलत सलाह दे देते हैं और वो मजबूरी वश मान भी लेते हैं, परंतु ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। वो आपको ये भी कह देंगे कि पहले के ज़माने में कौन सी कुंडलियाँ मिलाई जाती थी, तब भी तो शादियाँ चलती थी। जी नहीं मित्रों, इस पर मैं कभी स्पेशल एपिसोड बनाऊँगा, आपकी सारी जिज्ञासाएँ आपकी सारी शंकाएँ शांत हो जाएंगी, जो होगा देखा जाएगा। ये रवैया आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए खिलवाड़ अपने बच्चों के साथ में, चाहे मंगली दोष हो, चाहे वैधव्य का दोष हो, चाहे संतानहीनता का दोष हो, इन कुछ मेजर दोषों के कारण ही व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। आप ठीक से कुंडली का विश्लेषण करवाइए, समस्या का समाधान कीजिए और पूर्ण रूप से किसी विद्वान से कुंडली मिलाने के बाद ही विवाह की ओर बढ़िए। अब सबसे बड़ा धर्म संकट ये पड़ जाता है, कई लोग आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाला जो पक्ष है, चाहे वो वर पक्ष है या वधु पक्ष है, उसने जो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ दिया है वो सही है या नहीं। इसके भी तरीके हैं, जन्म पत्रिका देख करके 10 सेकंड का समय लगता है अगर सामने व्यक्ति खड़ा हो, उसका रंग कैसा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसके शरीर की संरचना कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है, वो क्या कार्य कर रहा है, इन सब को मैच करके तुरंत पता लगाया जा सकता है कि वो जन्म पत्रिका फर्जी है या असली है। अगर ऐसा कुछ आपके समक्ष भी है तो आप कुंडली विश्लेषण करवाइए, अवश्य करवाइए, और तभी एक प्रकार का ये जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन आप लीजिए। और हाँ, नाम से कभी भी कुंडली का मिलान आप ना मत करवाइए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली या दूसरे कई माध्यम है उससे करवाएं, पर नाम नहीं कि हाँ सरिता है और सुरेश और इस प्रकार से ये बिल्कुल गलत चलन है, इसका भी मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात ज़रूर कहूँगा कि किसी से भी कुंडली का मिलान मत करवाइए, किसी से भी, मतलब जो कर्मकांडी है, पंडित है, ज्योतिष का, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, साथ में अनुभव है, उसी से आप कुंडली का मिलान कीजिए। ये आपका, आपके बच्चों के जीवन का प्रश्न है मित्रों।
तो ये एक छोटा सा प्रयास था। अब हम आते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण पर। आज हमने कमेंट लिया है सम्राट जी का, जो कि ये जानना चाहते हैं कि वो अगर उनको स्टोन धारण करना हो, कोई रत्न धारण करना हो, तो कौन सा रत्न उनको ज़्यादा सूट करेगा सफलता, क्योंकि बहुत परेशानी में चल रहे हैं ये। सम्राट जी, आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक लग्न में लग्नेश जो है वो मंगल बनता है। आप एक मूंगा धारण कीजिए, अच्छी क्वालिटी का मूंगा, मंगलवार के दिन उसको प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करवा करके धारण कीजिए। जो वर्तमान में समस्या चल रही है, न केवल वो दूर होगी बल्कि आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास थोड़े भी काम का लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।